हेलो गाइस, आई एम सुशांत सर। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट्स वन। ठीक है, चलिए हम लोग इस आज के क्लास में देखेंगे लोग इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेसर का सुपर ट्रिक। आपको पता है हम लोग चैनल पे से इंटरेस्टिंग सुपर ट्रिक लेके आते रहते हैं। पूरा हमारा चैनल देखिएगा तो आपको सुपर ट्रिक से मिलेगा। दो चैनल चलता है, एक तो सक्सेस पॉइंट चलता है और दूसरा जेएमएस जेएन नीट टारगेट चलता है। तो मैं दोनों चैनल को जाकर देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब और लाइक भी कर सकते हैं। अभी देखिए हमने एक नीट क्रैश मतलब एक कोर्स ला रहे हैं लोग, जिसमें 9 to 10 AM स्पेशल केमिस्ट्री का ऐसे मेथड फिजिक्स का भी आएगा। आपको जैसे आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सभी के लिए मिल जाएगा लाइव क्लास। ये स्पेशल किसके लिए है? 2020 के लिए, 12th जेईई नीट के लिए। तो आप वहां जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे लाइव क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए कोई आपके लिए फी नहीं मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट इस तरह कराया जा रहा है। 2020 पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, अपने चैनल को ग्रो कराना है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। जिसमें आज हम लोग जेईई और नीट का सुपर ट्रिक देखते हैं। सुपर ट्रिक से देखे है कि आज आप सोचे भी नहीं कि इतना आसानी से हम लोग किसी का नाम इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेसर लिख सकते हैं। आप जितना सोच नहीं उससे आसान ट्रिक है। देखिए कैसे लिखना है। इसके लिए बस आपको एक चीज क्या है, नोबेल गैस से याद करें। नोबेल गैस आपको याद रहेगा, बस हम लोग यही याद है। नोबेल गैस के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं, हेमंत ने अंगूर खरीदा, जेना ने रोना लगा, हीना नेहा और करीना का एक से रंगीन, या हीना नेहा करीना जीरो रन पे आउट। आप जैसे इच्छा वैसे आप याद कर सकते हैं। पूरा प्रेडिक्टेबल के भी ट्रिक बनाए हुए हैं। एक क्या 5-5-10 उसको बनाया गया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। तो हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन लिखना है, जिसके लिए आपको किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन लिखना है। आपको उसके लिए नहीं करना है। चलिए हमको एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे क्लास में ऐसा नहीं होता है कि 10 तक आएगा 20 को नहीं आएगा, 20 को आएगा तो 30 को नहीं आएगा। पूरा वादा है कि आप इतना घर से जितना का चाहिए उतना का इजीली आराम से लिख सकते हैं। कभी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको बताने के लिए हम सबसे पहले आपको 53 का एग्जाम्पल लेते हैं। कोई तो यहाँ तक सोचा भी नहीं आता कि हम 53 के भी लिखने के लिए आ जाएगा, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस हम मिले हैं। लोग धोखा करते हैं लोग सर, जिसमें नए नए कहीं कोचिंग में भीड़ करने के लिए आते हैं। मैं स्कूल हो गया तो वहाँ क्या बोलते हैं लोग सर, हम लोग सिलेबस में 50 तक ही पढ़ना है, 53 के कहाँ से आ गया, तो 70 के कहते हैं। देखते हैं 70 तक हमें सिलेबस में नहीं पढ़ना है। हमारे यहाँ सिलेबस क्या होता है, सिलेबस तो हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं होता, एक सीख दिएगा दूसरा आपको खुद आ जाएगा। चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। हम लोग हमें लिखना है कितना क्या है, आपको इसको डिसाइड करना है। हमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेसर पूछे क्या होता है, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। जिसमें घर में लोग मेहमानों को अरेंज करते हैं, रूम में आदमी कैसे अरेंज करते हैं, हम लोग उसको अरेंज करते हैं ना। उस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेसर क्या होता है, हिंदी तो इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं आ सकता, लेकिन आपको बस याद नहीं इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन हो गया आयोडीन में उसको अरेंज करने का जो मेथड लगाएंगे वही इलेक्ट्रॉनिक कंप्रेसर कहलाएगा। इसके लिए आपको बस नहीं हमें कितना इलेक्ट्रॉन है, जितने एटॉमिक नंबर होता है 53 इसका एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन कितना होगा 53 होगा। तो हम लोग इसको अरेंज कैसे करेंगे लोग, आपको जब करना है इस साइड करना है कि 53 किसके बीच में आएगा। तो आपको दिखाया जाएगा 53 किसके बीच में आएगा, 2 और 10 के बीच में होगा नहीं, 10 और 18 के बीच में नहीं होगा, किसके बीच में होगा नहीं, तो 36 और 54 के बीच में होगा। तो हमें 53 का मिल गया, तो 53 कहाँ मिलेगा, इन दोनों के बीच में मिलेगा। तो करना क्या है, देख लेना कि इन दोनों में से कौन सा है, कौन कौन मिलेगा आपको 36 मिलेगा। तो उसका जो सिंबल है वो यहाँ लिख देना है और उसका जितना एटॉमिक नंबर दिया होगा यहाँ लिख देना। अब यहाँ आपको ऊपर से काउंट करना है कि कितना नंबर पर आती है, 1 2 3 4 आ रहा है, उसको फिर यहाँ लिख देना और अपने से यहाँ कितना करना है, 1 को ऐड कर देना है। तो यहाँ 4 में 1 ऐड कर देगा कितना देगा, फिर से आप पेपर होता है जिसका आपको लिखना है, फाइव टेबल उसको चेक आउट कर लीजिए किसके बीच में होता है, जिसके बीच में होगा उसमें क्या करेंगे, जो छोटा वाला तो उसको ऐड करेंगे, हुआ यहां पे मान लीजिए अपनी मर्जी से कितना ऐड कर देना, 1 ऐड कर देना। आपको क्या होगा 4+1 निकल के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप 5 के लिए जितना आएगा आपको कुछ नहीं करना है, उतना ही एस लिख देना है, फिर उतना ही पी कर देना है। यहाँ जो होगा वही नंबर एस का भी होगा, वही नंबर पी का भी होगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसमें से 1 घटाइएगा, ठीक इसमें से 1 घटा दीजिएगा, तो 4 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। अब एस के पहले आपको डी लिख देना, डी के पहले एफ लिख देना। अब यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा सर कब एफ लिखेंगे ना कब डी लिखेंगे, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। इसके लिए आपको ट्रिक बता देते हैं, यह ट्रिक आपको याद रखना है, फिर 2 पैसा
क्लियर है सर? हम जी एक बार जब नहीं कि दोबारा क्लास मांगिएगा। अरे भाई हम सब पैसा मांग के इन्वर्ट नहीं करते, ट्री भी बनाने के सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग का मानना यह है कि जो भी उन्होंने एंट्री होता है भरपूरी गैस सॉन पे से तो होता है। हमारा मानना है कि हम टीचर है, कोई एग्जाम सब तो है नहीं, ओनली फॉर क्रिएटिव थिंकिंग इन माय क्लास, केवल क्लासरूम में पॉजिटिव थिंकिंग ही रखते हैं लोग। अदरवाइज हम लोग क्लास में कोई निगेटिव थिंकिंग कभी नहीं आता है, कॉमेडी तो होता है लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग पे यहाँ गाली गलौज नहीं होता है। या नहीं क्या होगा फिर तो पैसा हम लोग का एक मान लिया ट्रिक हो गया, इसका अर्थवी गई एफ हो गया, डी हो गया, पी और एस हो गया, ये दोनों का नंबर कभी भी क्या होगा इक्वल होगा। अब यहाँ जो भी देखिए यहाँ मान लीजिए जो भी हम लिखेंगे सेम लिख देना है, और इसमें क्या करना है एक रिमूव कर देना है, इसमें फिर एक रिमूव कर देना है, इतना काम का ही होप आपको कर लीजिएगा, इसमें सब क्लियर नहीं होगा। अब हम लोग करने का है जिसके बाद ही हम लोग इलेक्ट्रॉन कितना अर्न करना था 53, लेकिन अभी अर्न कितना किया है 36, तो और तो इलेक्ट्रॉन बाकी होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन बाकी उसके लिए आप क्या कीजिएगा, यहाँ 36 है तो 36 में से हमें इसी में इलेक्ट्रॉन भरना होगा। तो कहेंगे सर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसे भरेंगे, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को ही भरना होगा, तो किसे भरेंगे लोग एस में। कहीं भी आपके याद नहीं केमिस्ट्री का सबसे भूखा कौन आदमी होता है, एस होता है। ये बच्चा होता है सबसे पहले खाने के लिए दौड़ जाता है। उसके बाद कहेंगे सर कौन आएगा, उसके बाद आप इस साइड से स्टार्ट करना इसमें आएंगे लोग, उसके बाद फिर इसमें जाएंगे और सबसे लास्ट में पी में जाता है। यार इसी में आपको ध्यान तो समझना है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप करेंगे लोग, एस में करेंगे लोग, एस के बाद कहां ले लेंगे लोग, यहां आ जाएंगे इधर से रिटर्न चले जाएंगे, सबसे पहले इधर आएंगे लोग, फिर यहां से रिटर्न पी में सबसे लास्ट में बढ़ेंगे। ये नहीं कि इसके बाद जो है उसके इसके बाद इसमें नहीं जाना, सबसे पहले इधर और इधर से फिर रिटर्न जाता है। समझ में आ गया है यहां तक? अभी इलेक्ट्रॉन हम लोग भर रहे हैं एस में। अब यहाँ एक चीज और आपको देख रहे हैं कि थ्री में एफ होता है कि नहीं होता है, तो आप लोग को इतना तो बेसिक आता होगा कि एफ जब भी स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, फोर से स्टार्ट होता है। कैसे कि आपको पता ही चलेगा कौन कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके लिए आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ से आप नंबरिंग कर लीजिएगा तो यहाँ कितना नंबर आ रहा है, फोर पे आ रहा है, डी में कितना रहा है थ्री आ रहा है, तो आप कैसे बताते हैं कि एस तो कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से पी टू से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं लोग, इसलिए नंबरिंग ऐसे किया जाता है। इन दोनों के मान लीजिए इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा, उसमें गलती भी नहीं होगा क्योंकि एस के बाद पी आता ही। लेकिन यहाँ क्या होगा, देखिए डी कभी भी थ्री से पहले डी नहीं आएगा और फोर से पहले एफ नहीं आएगा, इसीलिए अभी हमारे पास ये नहीं है, इसको छोड़ देंगे हम। आपने इलेक्ट्रॉन सबसे पहले से भरेंगे फिर किसे भरेंगे लोग, डी में भरेंगे। 53 का लिखना था 36 लिख दिया, तो बचा कितना है, तो 53 में से क्या करेंगे लोग 36 को हम लोग रिमूव कर देंगे लोग, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 53 माइनस 36 होगा, तो 53 माइनस 36 के लिए कितना हो जाएगा, इसमें काउंट कर लीजिएगा। तो आपको सबसे पहले किसमें वो भरेंगे, एस में भरेंगे लोग, ठीक है। एस में कितना इलेक्ट्रॉन भरेंगे लोग, एस जानते हैं क्या, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं लोग, टू इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जब एस में इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो और हमारे पास तो बचा नहीं, 53 माइनस 36 के लिए कितना आएगा, यहाँ भी 14+ के लिए कितना हो जाएगा 17, तो इसमें दो दिन लगे बस कितना होता हुआ है 15 इलेक्ट्रॉन। एस का है नहीं, किसमें भरेंगे लोग, डी में भरेंगे लोग, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं लोग, 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे लोग। और डी भी हो गया तो यहाँ पास कितना बचा होगा, 5 अभी बचा होगा, तो आज जो बचा होगा किसमें जाकर भर देंगे लोग, तीन में भर सकते हैं। इस तरह से बहुत आसान में आप लिख सकते हैं। कल हमने ये आपको एग्जाम्पल बताया 77 का, इसमें क्या होगा आई आर मान ये कितना हो गया 120, इसके नाम ईडीएम होता है, इसको लिखना होता है, कैसे लिखेगा जी, इसके लिए हम फिर वही काम करेंगे, चूज करेंगे कि किसके बीच में आता है, या देखिए किसके बीच में आएगा 54 और 86 के बीच में आएगा, इसीलिए हम इसमें किसको लेते चलेंगे लोग, पहले वाला क्या पहला क्या मिलेगा आपको, एक सी का एटॉमिक नंबर कितना है 54, तो उसके बाद क्या करेंगे आप देख लेंगे कि 54 कितने नंबर का है, तो 54 कितने नंबर का है, यहाँ 5 है, तो यहाँ क्या कर देंगे लोग एन इक्वल टू 5, अपने से कितने ऐड करने हैं, जी 1 ऐड करने हैं, तो 5+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब क्या करना है, आप बताएंगे तो जितना लोग नहीं है लिखेंगे लोग, उतना ही पी लिख देंगे लोग, इसमें से 1 रिमूव करके क्या लिखेंगे लोग, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5 भी हो जाएगा।
फिर क्या करेंगे लोग, 6 माइनस 1 करेंगे, 4 में क्या आ जाएगा ए, इस बार तो 4 नियम होते हैं तो उसको लिखेंगे लोग। तो ठीक है, लिखने की संख्या क्या, 77 क्या, लिखना कितना लिख दिए हैं, 54 लिख दिए, तो बचा कितना है, इधर 14 हो गया, इधर 7 हो गया, 47 कितना होता है, 21। तो सबसे पहले किसे बचेंगे लोग, एस में, एस को अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं, 2। उसके बाद किस में मारेंगे लोग, एफ में, एफ में अधिक से अधिक कितना लेकर रखते हैं लोग, 14। इसमें 14 हो गए, 14 16 में लिख दिया, लिखना कितने का था, 21 का, तो बच्चा कितना है, जो बच्चा होगा वो डी में लाकर लिख दे। तो यहाँ काउंट कर लीजिए हम लोग, 21 नहीं 27 है, थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो हम लोग क्या हो गया, फिर सब ठीक तो है नहीं, जो नहीं होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे, यहाँ तक का ही होगा, कंटिन्यू नहीं होगा। एक और आपका एग्जाम्पल है, जो आपका पॉपुलर एग्जाम्पल है, सब लोग इसी से स्टार्ट करते हैं, आयरन का, आयरन भी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, आयरन लिखेंगे किसके बीच में आएगा, 18 और 36 के बीच में आएगा, तो किसको फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करेंगे लोग, एक आयरन हो गया, उसके लिए हमें पहले कौन मिलेगा, जो पहले मिलेगा उसी को लेकर चलेंगे लोग, तो एआर मिला है, एआर का नंबर क्या है, 18, कितने नंबर पर है, देखिए 3 नंबर पर है, तो अपने स्मॉल लेटर से कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद क्या कीजिएगा, जितना है उतना ही एस, फिर उतना ही पी, एक घटा के डी टू में बोगा नहीं तो छोड़ देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन ये सब भरेंगे, तो 18 में हम 26 करके कितने में लेंगे, 2 18 2 20 हो गया, और ये डी में लिखेंगे 20 कितना हो गया, बचा 6, इसको ले देंगे, आपसे कंप्लीट नहीं होगा, इसको आराम से रिवीजन कर लेते हैं और प्रैक्टिस करते रहना है, और एक कमेंट सेक्शन में आपको जाके जो भी मतलब दिक्कत होगा वो लिखते रहते हैं, जिसमें आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो पे जहां तक कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट लेक्चर बना देंगे, आप वहां से कंफ्यूजन क्रिएट दूर कर सकते हैं। ताई हम लोग कुछ आपको देते हैं, फर्स्ट नंबर कितना लिखना है, एक आपको आसानी देना है, 11 का लिखना है, एक तो 64 का लिखना है, एक 46 का लिखना है, और एक 111 का लिखना है, या फोन क्वेश्चन है, आप इसको बनाए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।